खत्म होते ही इतना अच्छा नजारा देखने मिल रहा है, ग्रीनरी ग्रीनरी। अभी हम रोहतांग टनल क्रॉस करके आए हैं और इस साइड का नज़ारा बिल्कुल ही अलग है। आप देख सकते हो इतना प्यारा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद हरी हरी पत्ते देख के आँखों को सुकून मिल रहा है। फाइनली स्पीटी वैली का ट्रिप खत्म हुआ, अभी हम मनाली पहुंचने वाले हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ कि स्पीटी वैली का ट्रिप बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। एंड स्पीटी वैली में जो लोग थे, गांव के लोग, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, जैसे कि काजा के लोग या जहाँ पे हम लोग रहे वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे। आई मीन हिमाचली पीपल ही बहुत ही अच्छे होते हैं, ये पता चला फाइनली। हाय एवरीवन, आज हम चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं। कल बहुत रात हो गई थी, सो गए थे एंड फिलहाल अभी 1 बज रहे हैं, बहुत भूख लग रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं पे खाना खा के फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए। ये आप देख सकते हैं इतना सारा सनफ्लावर की खेत है, बहुत सारी, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, येल्लो येल्लो फ्लावर्स। सैलड, चिकन, तंदूरी रोटी एंड दाल मखनी। आज हम लोग दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं, बहुत भूख लगे हैं, सो हम लोग खाने के लिए यहाँ पे रुके हैं लंच करने के लिए। घर ही जाना है, बस यही है दिमाग में, तो गाड़ी पे एक ही काम है कि सोना, ना कि एक होता है ना कि काजा जाने का टाइम में स्पीटी, जब स्पीटी ट्रिप था तो एक दिमाग में ये था कि लोकेशंस वगैरह सब कुछ देखना है। अभी फ़िलहाल घर जाना है तो एक ही एम है कि सोना है, बस सोना है और डेस्टिनेशन पे उठना है। ऐसा लग रहा है कि घर का खाना कब मिले। सो आई एम एक्साइटेड कि घर बहुत जल्दी पहुँचने वाली हूँ, 2-3 दिन में, शायद से 2-3 दिन लगेंगे या थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकते, पता नहीं फिलहाल तो। लखनऊ पहुंच गए इवनिंग टाइम में, अभी होटल से बाहर आए हैं थोड़ा लखनऊ घूमने के लिए। फिलहाल तो अभी डिनर करने का टाइम हो गया, सो नाउ वी आर गोना हैव डिनर, पहले चाट उसके बाद डिनर करेंगे। सो नाउ वी आर नियर द रॉयल कैफे, यहाँ पे बहुत टेस्टी चाट मिलता है, सो लेट्स सी व्हाट वी गोना हैव। अभी हम लोग बास्केट चाट खाएंगे। तो ये रही बास्केट चाट, अभी हम खाने वाले हैं इसको, बताते हैं कैसा लगा खाके।